हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रियांशी परीक्षा मैनिया के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम ज्योग्राफी की क्लासेस ले रहे हैं और ज्योग्राफी की क्लासेस में अब तक हमने देखा नदियां, झीलें, जलप्रपात, क्लाइमेट एंड वेदर। तो लास्ट क्लासेस में हमने चर्चा की थी क्लाइमेट एंड वेदर की, कैसे बारिश होती है, कैसे मानसून आते हैं और उससे होने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाले थे। आज की क्लासेस में हम चर्चा करेंगे भारत की मिट्टियों की। इन मिट्टियों को शुरुआत करने से पहले हम देखते हैं एक मोटिवेशनल कोर्स। जब आपका नसीब साथ नहीं दे रहा हो तो समझ लेना आपकी मेहनत साथ देगी। इट मीन्स कि ये उन लोगों के लिए बहुत ही दिल को छूने वाला हो जाएगा जब वो स्टूडेंट्स जो कि एक नंबर से रह जाते हैं और वो नसीब के भरोसे रह जाते हैं, बैठ जाते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, मैं तो लकी नहीं हूँ, मुझे तो मेहनत कितना भी करूँ मेरा कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि कभी कभी क्या होता है कि हम जहाँ से छोड़ना स्टार्ट करते हैं ना, जहाँ से हम पीछे हटते हैं, वहाँ पे ही पता चलता है कि एक कदम आगे रखने की ज़रूरत थी और हम इन कर जाते। तो कभी भी अपने किस्मत के भरोसे ना रहें, हमेशा अपनी मेहनत के भरोसे रहें। इसी के साथ शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास और देखेंगे भारत की मिट्टियाँ। हम चर्चा करने वाले हैं भारत की मिट्टियों की। हम क्या चर्चा करेंगे, हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे भारत की मिट्टियों की। डन। भारत की मिट्टी, तो फ्रेंड्स हम देखेंगे मिट्टी क्या होती है। ठीक है, हम क्या देखेंगे, भारत की मिट्टी। ओके, भारत की, सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था, भारत की मिट्टियाँ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मिट्टी आखिर होती क्या है। ठीक है, मिट्टी क्या होता है। तो मिट्टी क्या होता है, जो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग होंगे, जो भी ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग होंगे, और इसमें ग्रामीण और शहरी वाली बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं भारत की 80% पॉपुलेशन गांव में निवास करती है, 70 से 80%। तो ये बहुत गर्व की बात है, हम कहते हैं गर्व से कि भारत कहाँ रहता है, गांव में बसता है। तो जो गांव के ग्रामीण पृष्ठभूमि से लोग होंगे वो समझते हैं कि मिट्टी क्या होती है, वो तो आसानी से समझते हैं मिट्टी क्या होती है। हम मोटे मोटे तौर पर इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि जो अर्थ होती है और उसका सबसे ऊपरी परत होता है, अर्थ का सबसे ऊपरी जो परत होता है, लेयर होती है, जो लेयर होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हम मिट्टी बोलते हैं। अर्थ की सबसे ऊपरी जो लेयर होती है उसको मिट्टी बोलते हैं। जो मिट्टी होती है वो कृषि के लिए, मिट्टी जो होती है वो कृषि के लिए बहुत उपयोगी होती है। ठीक है, मिट्टी किसके लिए उपयोगी थी, कृषि के लिए। मिट्टी का बहुत अपने आप में मायना होता है और बहुत ही इसको जो बनने का जो प्रोसेस होता है मिट्टी का, वो सालों साल लग जाता है, मिट्टी को बनने में सालों साल लग जाते हैं। तो ये कृषि के लिए बहुत उपयोगी है। जब कृषि हमारे लिए, जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, तो आप समझ रहे हैं ना मिट्टी का कितना इम्पोर्टेंस है। फ्रेंड्स कृषि के लिए हम जो भी फसलें, खाद्यान्न फसलें जो होती हैं, गेहूँ, चावल, है ना, मक्का, बाजरा, तो ये सब किसके लिए, कैसे होते हैं, कृषि के लिए। और कृषि के लिए मिट्टी, मिट्टी जहाँ अच्छी होगी, उपजाऊ होगी, वो खेती के लिए आवश्यक और महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, और इसको जो बनने में, मिट्टी को बनने में सालों साल लग जाते हैं, तब मिट्टी की लेयर, जो फर्टाइल लेयर है, वो आ पाती है। तो आप मिट्टी को समझेंगे, समझे मिट्टी के बाद हम चर्चा करेंगे भारत की कौन कौन सी, कितने प्रकार की मिट्टी हैं। एक प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं। एक प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मिट्टी के अध्ययन को, प्रश्न क्या पूछा जाता है कि मिट्टी के जो अध्ययन है ये किसके अंतर्गत आता है, मिट्टी के जो अध्ययन है इसको हम क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी।
पेडोलॉजी, मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। ठीक है, अब प्रश्न अगर परीक्षा में आए आपके तो मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? मिट्टी पेडोलॉजी। अब हम देखेंगे कि मिट्टियाँ के प्रकार कितने होते हैं, मिट्टी कितने टाइप्स की होती है। ठीक है, मिट्टी के टाइप्स हम देखेंगे, मिट्टी के प्रकार। वैसे तो मिट्टी जो होती है वो 8 प्रकार की होती है। मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की। लेकिन इसमें से 4 से 5 जो मिट्टियाँ होती हैं वो बेहद महत्वपूर्ण मिट्टियाँ होती हैं। ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण मिट्टी होती है, जिनमें से हम पहली मिट्टी है वो जो 8 प्रकार की मिट्टी होती हैं वो एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन सी होती हैं। तो ये है हमारी जलोढ़ मिट्टी। सबसे पहले कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, सबसे पहली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। नहीं, ये कलर विजुअल नहीं है क्या? पहली कौन सी मिट्टी है? ये जलोढ़ मिट्टी। अब ठीक है, अब मुझे लग रहा है ज्यादा वो हो गई है, अभी ज्यादा पतली हो गई है ना। अरे यार, ये बड़े जलोढ़ मिट्टी हो गई, कोई बात नहीं है, इतना ठीक है, ऐसे ही देखते हैं आज। ठीक है, पहली कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। दूसरी कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी। काली मिट्टी। तीसरी होती है लाल मिट्टी, जिसे हम येलो, रेड येलो सॉइल बोलते हैं। लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी। इसके अलावा होती है लैटराइट मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। फिर होती है मरुस्थली मिट्टी। फिर क्या होती है? मरुस्थली मिट्टी। मरुस्थली मिट्टी के बाद फिर होती है पहाड़ी मिट्टी। ठीक है, फिर क्या होती है? पहाड़ी मिट्टी। तो इस प्रकार से जो मेजर मिट्टी हैं हमने वो देखी। हम इस प्रकार से हमने क्या देखी? सबसे जो मेजर मिट्टी हैं, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जलोढ़ मिट्टी के। कौन कौन सी मिट्टी एक बार हम इंडिया के मैप में और देखेंगे कि कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो जो जलोढ़ मिट्टी है वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी मैं अगर कहूँ तो जलोढ़ मिट्टी, जैसा कि इसके नाम में है जलोढ़, यानी कि ये पानी के, जल के फॉर्मेशन के साथ ही कुछ बनी है, जल से रिलेटेड है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, डियर फ्रेंड्स, जब हमने हिमालयन रीजन की बात की थी, जब हमने हिमालय की बात की थी, तो हिमालय में क्या देखा था कि हिमालय हमने देखा था कि कुछ, ठीक है, इस तरीके से हमने हिमालय को देखा था ना। ये हो गया नॉर्थर्न हिमालय, ये हो गया हिमालय। तो हमने देखा था कि जो सिंधु, हमने देखा SSB, सिंधु, ठीक है, सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये तिब्बत से निकलती है, हिमालयन रीजन से निकलती है। ठीक है, ये क्या रिवर्स, हमने जो भी फ्रेंड्स आज नई क्लास देख रहे हैं, मिट्टी का कनेक्शन भी रिवर्स से है। तो मैं, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप कोई भी क्लास करें उससे लास्ट क्लासेस को कनेक्टेड कर लें, इससे क्या होगा, आपकी क्लास रिपीट हो जाएगी, रिकॉल हो जाएगी। ठीक है, तो हम जो मिट्टियाँ हैं उसको नदी से कनेक्ट करके पढ़ेंगे, इससे क्या होगा, आपको ना चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं होगी और आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली माइंड में फिट हो जाएंगी, आप उस तरीके से देखेंगे। तो जलोढ़ मिट्टी की जब हम बात कर रहे हैं तो ये बनती कैसे है, पहली चीज़, जैसे ही हमें ये पता चल जाएगा ये इसका फॉर्मेशन कैसा होता है, हम इसकी सारे आंसर्स, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। जलोढ़ मिट्टी ना, जब हिमालय से नदियाँ निकलती हैं, हिमालय से क्या होता है, नदियाँ निकली तो नदियों के बहाव के साथ अवसाद लेके आती हैं। नदियाँ क्या करती हैं, अपने बहाव के साथ अवसाद लेके आती हैं, और अवसादों का जो डिपोजिशन होता है, जो निक्षेपण होता है, यानी कि अभी भी अगर ना समझ में आ रहा हो लैंग्वेज, तो हम सरल शब्दों में इस तरीके से कहते हैं, जैसे हिमालय से कोई भी नदी निकली, ठीक है,
नदी निकली, तो जब नदी बह रही है अपने साथ, वो नदी का बनने का क्रम क्या बताया था कि वो पानी के ग्लेशियर से पिघलते हैं और नदियाँ बन जाती हैं। तो नदियाँ जब बनेंगी तो हिमालय से अपने साथ साथ क्या लिखेंगे, कंकड़ पत्थर बजरी, और जब कंकड़ पत्थरी जब उसका छोटा छोटा जीरो जीरो जो होता है रेत, उसको हम मिट्टी बोल देते हैं, उस वो बन गई मिट्टी, तो वो अपने साथ लेके आएगी। तो नदियों के बहाव के साथ जो मिट्टी आ रही होती है वो कौन सी मिट्टी होगी, जलोढ़ मिट्टी। तो इसका अगर एरिया पूछे, अगर इसका जलोढ़ मिट्टी का आपसे एरिया पूछे तो आप बता देंगे जलोढ़ मिट्टी का फॉर्मेशन। ये केवल जलोढ़ मिट्टी के लिए, जो मैंने बताया ना कि नदियों के बहाव के साथ जो मिट्टी आती है वो केवल जलोढ़ मिट्टी के लिए है, ठीक है। तो अब हमने देखा था ये हिमालय रीजन है, ये हिमालय रीजन है, तो यहाँ पे जो मिट्टी होगी इस वाले रीजन में, है ना, कौन सी होगी, जलोढ़ मिट्टी। और इसके अलावा ये तो नॉर्दर्न हिमालय की रिवर्स थी ऊपर, है ना, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो जलोढ़ मिट्टी का जो क्षेत्र है, जब अभी नेक्स्ट स्लाइड में लिख देंगे वो पता चल जाएगा कौन सा क्षेत्र है, ये वाला जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा हो गया, ये वाला। क्यों, क्योंकि हमने देखा था उत्तराखंड ये है, और यहाँ सॉरी हमने क्या देखा था कि ये उत्तराखंड है, और उत्तराखंड से ही गंगा का ओरिजिन होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से। हमने रिवर वाले चैप्टर में देखा था ना, इससे पहले जिन बच्चों ने रिवर्स नहीं की हो वो रिवर्स कर लें, तो ये फिर आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। हमने गंगा के गंगोत्री ग्लेशियर से देखा नदी गंगा निकल के आ रही है, और ये उत्तराखंड यूपी बिहार, और बिहार के बाद ये वेस्ट बंगाल झारखंड, और ये इस तरीके से यहाँ पे इसका डेल्टा हो गया, डन। हमने दूसरी रिवर देखी थी ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन यहाँ से होता है, यहाँ से होते हो, ये इसका ये ओरिजिन हो गया, और देखी थी हमने सतह। तो डियर फ्रेंड्स, इस वाले रीजन में जो मिट्टी होगी, जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है, ये जलोढ़ मिट्टी है। ये कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। अच्छा, ये इसका एरिया तो आपको पता चल गया, जलोढ़ मिट्टी का एरिया कौन कौन सा हो गया, उत्तराखंड एरिया कौन कौन सा हो गया, ये आपको जो ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है ना, ये जलोढ़ मिट्टी है, ये जो नीला नीला है, डन। इसका उत्तर में तो कौन सा एरिया हो गया, नॉर्थ में कौन सा हो गया, हेलो फ्रेंड्स, इसमें इसका नॉर्थ में कौन सा हो गया, ये उत्तराखंड यूपी बिहार, है ना, वेस्ट बंगाल, और ये गंगा वाला। अब कुछ हमने साउथ में भी रिवर्स पढ़ी थी, साउथ में रिवर्स, और नदियाँ अपने बहाव के साथ क्या ले जाएंगी, अवसाद। नदियाँ अवसाद कहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई, ये पक्का है, ठीक है, ये क्या है, अभी पक्की ज़मीन है, मैं इसमें एक लोटा पानी बहा दूँ, है ना, एक मग पानी डाल दूँ, तो इसमें जितना भी रेत के पार्टिकल्स होंगे वो पानी के साथ बह जाएंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा ना कि नदियाँ कैसे ले जाती है सहमे, उत्तर भारत की नदियाँ तो यहाँ ले जाती हैं क्षेत्रों के, साउथ की भी तो रिवर्स होती हैं, तो साउथ की रिवर्स का जो तटीय क्षेत्र जहाँ वो मुआना बनाती हैं वहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी का एरिया अगर आपसे पूछे, और ये स्टेट मैंने फर्स्ट क्लास में कनेक्ट कराए थे जब उसका इंट्रो कराया था, तो उत्तराखंड यूपी बिहार झारखंड वेस्ट बंगाल और ये उड़ीसा आंध्र प्रदेश का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाएगी। दूसरी चीज़, ये जलोढ़ मिट्टी तो पढ़ लिया मैम, इसका इम्पोर्टेंस क्या है जलोढ़ मिट्टी का, सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी का हमने फॉर्मेशन देखा कैसे बनती है, तो ये बनती कैसे है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से, अवसादों के निक्षेपण से इसका निक्षेपण बोलते हैं, डिपोजिशन इंग्लिश में, निक्षेपण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। हम कहते हैं ना कोई भी चीज डिपोजिट हो रही है, मतलब कलेक्ट जमा हो रही है, डिपोजिशन, ठीक है। तो बनती कैसे, जब ये पता होगा ना तो अब आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, अब आपके माइंड में ना चुटकियों में आपको इमेज कराते हैं जलोढ़ मिट्टी के बारे में। अच्छा, गंगा से होके आती है या जितनी भी रिवर्स है उनसे होके आ रही है, तो इन नदियों में वैसे जो चीज़ें हैं जैसे लाइक क्या, उन पानी के साथ साथ जितनी भी जो एरिया से वो चीज़ें होंगी वो भी तो बहती हुई आएगी, तो इस वजह से जलोढ़ मिट्टी जो है, ये बोला जाता है कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ है,
जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ है। आपने एक टर्म पढ़ा होगा, खादर और बांगर पढ़ा है, खादर और बांगर पढ़ा है ना। जो भी ग्रामीण क्षेत्र से विद्यार्थी हैं उनको बोलते हैं कि जो नदियों का जो वो वाला क्षेत्र, नदियों का वो वाला क्षेत्र जब वो बाढ़ की स्थिति में अपना और पानी कवरेज कर लेते, बोलते खादर में पानी आ गया है, यानी कि नदियों का वो क्षेत्र बोलते हैं ना। तो जलोढ़ मिट्टी को डियर फ्रेंड्स हम कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था हिमालय वाली में, ये कोई भी रिवर निकली तो यहाँ से जो सबसे पहले हिमालयन रीजन से निकलती है इसको हम क्या बोलते हैं, भावर क्षेत्र, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम जानेंगे, ये होता है, ये कोई भी रिवर हिमालय से निकल रही है तो भावर क्षेत्र। भावर क्षेत्र में क्या होता है, जब नदी निकलती है ना तो अपने साथ पहाड़ों के बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े लेके आती है, गिरते हैं, है ना, पहाड़ों के बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े। तो भावर क्षेत्र में क्या होता है, पहाड़ के बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े तो होते हैं और नदी उसके नीचे दिखाई भी नहीं देती है, नदी उसके नीचे दिखाई नहीं देती, तो भावर क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। भावर क्षेत्र में क्या होता है, नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। फिर उसके बाद आता है भाबर के बाद तराई रीजन, तराई क्षेत्र। हमने हिमालय वाली क्लास में पढ़ाया था तराई रीजन, तराई बेल्ट उसको बोलते हैं जो हिमालय के जस्ट नीचे, जैसे हम उत्तर प्रदेश जो है तराई क्षेत्र में आता है, हिमालय के साउथ में क्या है, उत्तराखंड और यूपी। तो जो ये वाला हिमालय का फुटप्रिंट्स है, मैंने हिमालयन वाली क्लास में भी कराया था, तराई क्षेत्र बोलते हैं वो क्षेत्र जो कि हिमालयन के जस्ट जो हाँ पूरा रिवर वाला जो एरिया होता है वो तराई क्षेत्र होता है। यहाँ नदियाँ जो खादर, ये जो बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े थे इससे बाहर निकल के आ जाती हैं। अच्छा, जब हम बोलते हैं उत्तराखंड या कहीं टूर करने जाओ ऋषिकेश हरिद्वार उत्तराखंड में, तो बोलते हैं ना बाढ़ गंगा में आपने देखा हो ना, बड़े बड़े चट्टान के डेले होते हैं और पानी तो थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा बह रहा होता है, वो कौन सा क्षेत्र होता है, भावर। वो कौन, अब समझ में आ गया ना, भावर में नदियां तो विलुप्त हो जाती हैं और बड़े बड़े चट्टान के टुकड़े होते हैं, जब वो आगे बढ़ती है तो कौन से क्षेत्र में, हरिद्वार में आती है तो बहुत पानी दिखाई देता है, तराई क्षेत्र में एंट्री कर लिया उसने, कहाँ पे आ गई वो, तराई रीजन में आ गई। वहाँ पे क्या होता है, नदियाँ बाहर आ जाती हैं और जैसे ही तराई से, अब वो जब मान के चलो आप जो भी नियरेस्ट गांव है, तराई के बाद वो आता है लास्ट, उसको बोलते हैं बांगर, जब और आगे आती है तो उसको बोलते हैं बांगर, और सबसे लास्ट में जो वो नदियों का वो स्थान जिसके चारों ओर इधर उधर गांव बसे होते हैं, जिसके तट पे गांव बसे होते हैं, नदियों का वो स्थान जिसके तट पे गांव बसे होते हैं इसको बोलते हैं खादर। इसको क्या बोलते हैं, खादर। गंगा यमुना के पास जो जहाँ गांव बसे होते हैं उसको बोलते हैं खादर। तो जो खादर होती है वो तो होती है नई जलोढ़, ठीक है, और इसको बोलते बागर को पुरानी जलोढ़। इसीलिए ये मिट्टी से कनेक्टेड थी, इसीलिए मुझे इसको समझाना पड़ा, है ना, इसीलिए मुझे इसको समझा। अब आप इसको समझ लेंगे, अब नदियाँ क्या होती है, अब यहाँ से इसको जो भी मतलब एलिमेंट मिले वो यहाँ से बहाती हुई लेके आती है और लास्ट तक लेके जाती है, तो इससे क्या हो जाता है, पानी में ना मिट्टी के साथ बहुत सारे वो भी आ जाते हैं एलिमेंट, खनिज तत्व, लबड़, चूना पत्थर एंड ऑल, तो उससे क्या हो जाता है, मिट्टी में बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर हो जाता है और मिक्सचर होने की वजह से वो कृषि के लिए क्या हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। कृषि के लिए क्या हो जाती है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है ये वाली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। अच्छा, उपजाऊ हो जाती है, इसमें किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, तो पोटाश की मात्रा तो इसमें सबसे अधिक पाई जाती है, पोटाश की मात्रा इसमें सबसे अधिक पाई जाती है। मैम ये तो सबसे अधिक हो गई, क्या इसमें एनपीके भी मिलता है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सबसे अधिक मिलती है, और इसमें किसकी मात्रा, एनपीके, सोडियम, फास्फोरस और पोटेशियम एंड ह्यूमस, इनकी कमी पाई जाती है, पोटेशियम एंड ह्यूमस इनकी कमी पाई जाती है, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। और डियर फ्रेंड्स अगर वो आपसे क्षेत्र पूछ ले, प्रश्न क्वेश्चन अब आ जाओ, प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। अच्छा, आपके परीक्षा में प्रश्न आता है, मुझे आप बताना ईमानदारी से, आपके परीक्षा में प्रश्न आता है इनमें से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इनमें से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मरुस्थल, ऑप्शन सी यूपी, और ऑप्शन डी देगा साउथ का कोई राज्य, तमिलनाडु देगा, तो आप क्या बोलोगे, यूपी। ऑब्वियस है ना, क्यों, क्योंकि रिवर यूपी से होके जा रही
है ना। और नेक्स्ट वो और भी दूसरा क्वेश्चन, कोई भी स्टेट बना देगा, इनमें से किस राज्य में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो तीन तो डालेगा यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, है ना, और एक डाल देगा साउथ का, तो साउथ में नहीं मिलती है जलोढ़ मिट्टी, है ना। तो अब प्रश्न का अगर एरिया से प्रश्न आता है तो आप कर ले जाओगे, गारंटी है ना। तो एरिया का एक प्रश्न एरिया से बनता है इसमें। दूसरा प्रश्न कहाँ से बनेगा, इसको मैं स्क्रीनशॉट लेना है जिसको ले सकते हैं, फिर मैं इसको बताती हूँ। एक प्रश्न तो एरिया से बन गया, दूसरा प्रश्न क्या बनता है, जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है डाउनलोड या फिर नोट डाउन करना है वो कर लें। दूसरा प्रश्न क्या बनता है डियर फ्रेंड्स, दूसरा प्रश्न बनता है मिट्टियों से कि जितनी भी मिट्टियाँ हैं, जितनी भी मिट्टियाँ उनमें सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी होती है एरिया के हिसाब से, सबसे ज़्यादा जितनी आठों टाइप्स की मिट्टियाँ हैं ना उनमें एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी हो रही है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, तो आपका आंसर होगा जलोढ़ मिट्टी। ये एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर पाई जाती है, आई थिंक 44% क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तीसरी, इसमें किस किस की खेती की जा सकती है, जलोढ़ मिट्टी में किस किस की खेती की जा सकती है, तो यूपी और बिहार और वेस्ट बंगाल इनमें जो फसल सबसे ज़्यादा होती है कौन कौन सी, गेहूँ की पानी की ज़रूरत होती है, धान सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है ना, धान, ये सारी चीज़ें जो खाद्यान्न फसलें हैं वो सबसे ज़्यादा तराई जो क्षेत्र में होती हैं वो खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हो गई, गेहूँ है ना, गेहूँ, धान, धान है ना, सरसों, सरसों, ऐसी फसलें कहाँ पाई जाती हैं, जलोढ़ मिट्टी में, वही फसलें होंगी जो मिट्टी सब, क्योंकि ये मिट्टी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, प्रश्न क्या पूछेगा, इनमें से सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ, वही अगेन ऑप्शन वही होंगे, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, तो आपका आंसर क्या होगा कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी, सबसे ज़्यादा उपजाऊ कौन सी है। इनमें से कौन सी मिट्टी का निर्माण नदियों के निक्षेपण के द्वारा बना होता है, तो जलोढ़ मिट्टी का, आपका आंसर क्या होगा, जलोढ़ मिट्टी का, कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी जलोढ़ मिट्टी है। तो जलोढ़ मिट्टी से जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं और जितने इम्पॉर्टेंट हैं, मुझे लगता है ये सभी क्वेश्चन से है ना, आप इनको नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, जो जो भी नोट डाउन नहीं कर रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लें इसको, उसके साथ हम आगे की क्लास में कराते हैं काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बाद नेक्स्ट कौन सी मिट्टी है, दूसरी काली मिट्टी, काली मिट्टी, सारी मिट्टियाँ कराई जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। काली मिट्टी को डियर फ्रेंड्स, काली मिट्टी को क्या, किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है, परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है, काली मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है, रेगुर मिट्टी, किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है, रेगुर मिट्टी, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ से बन गया, रेगुर मिट्टी का तो बोलते हैं, ठीक है। काली मिट्टी कौन सी कृषि के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, किसकी खेती सबसे ज़्यादा होती है, तो कपास की खेती, काली मिट्टी के लिए कौन सी ज़्यादा सबसे ज़्यादा होती है, तो कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती, मतलब ये होती है काली मिट्टी, कपास की खेती है ना, कपास की खेती के लिए सबसे। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ये प्रश्न तो परीक्षा में हो गए, प्रश्न ये हो गए, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए होते। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो ज्वालामुखी के इरेप्शन के बाद, ज्वालामुखी के चट्टान जो होती हैं, ज्वालामुखी इरेप्शन हुआ और ज्वालामुखी इरेप्शन के बाद वहाँ क्या बचता है, जहाँ जिस भी क्षेत्र में, मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगेन कराऊंगी, यहाँ पे मैं उतना ही कराऊंगी जितना काम का, ये जो ज्वालामुखी वाला है ना, काली मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, इसी पे पूरी एक क्लास चली जाएगी अगर मैं डिटेल्स में बताने लगी, मैं केवल आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कराऊंगी कि ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो उसमें ज्वालामुखी में जो लावा और वो निकलती है ना, तो एक होता है ग्रेनाइट, एक होता है बेसाल्ट, ठीक है। तो इसमें ये किससे बनती है, ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद बसाल्ट की चट्टान है, विस्फोट के बाद बसाल्ट की जो चट्टानें होती हैं, बसाल्ट की जो चट्टानें होती हैं उससे काली मिट्टी बनती है, बेसाल्ट की चट्टानों के बाद ये काली मिट्टी बनती है। इसमें किसकी अधिकता होती है, तो अब ये ज्वालामुखी के इरप्शन से हुए बेसाल्ट की चट्टानें, तो इसमें आयरन की अधिकता होती है काली मिट्टी में, किसकी अधिकता होती है, आयरन की अधिकता होती है। अगेन किसकी कमी होती है, तो आपके नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, आयरन की अधिकता होती है। प्रश्न ये पूछ ले किसकी कमी इनमें से, तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है, फास्फोरस,
ह्यूमस की कमी पाई जाती है, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। डियर फ्रेंड्स, आपको जानकारी के लिए बता दूं, जान के अच्छा लगेगा और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। हमारा जो भारतीय प्रायद्वीप है, यानी कि भारतीय प्रायद्वीप है, इसको नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन बनता है, काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो काली कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, कपास की खेती के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है ये प्रश्न। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, कैसे इसका निर्माण होता है? तो ज्वालामुखी के विस्फोट के दौरान, बेसाल्ट की चट्टानों से इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसमें किसकी अधिकता पाई जाती है? तो आयरन की अधिकता पाई जाती है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा तत्व इसमें कम पाया जाता है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती, सॉरी। हो गया, क्वेश्चन तो ये हो गए। अब इसमें इंटरेस्टिंग कुछ पॉइंट्स हैं, आपको जान के अच्छा लगेगा। मैंने बोला ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बसाल्ट की चट्टान, और इससे एक और जो क्वेश्चन है, काली मिट्टी का क्षेत्र, वो आपको रट जाएगा, वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, आप इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं भूल पाओगे। तो ज्वालामुखी चट्टान जो है, ज्वालामुखी विस्फोट की बात की हमने, ठीक है, थोड़ा सा इस पर नज़र डालते हैं। ये जो फ्रेंड्स, ये वाला जो एरिया है ना, ये है प्रायद्वीपीय पठार में, ये पूरा कौन सा है? भारत का प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार में ये दक्कन वाला एरिया है, दक्कन, और जो दक्कन ट्रैप है ना भारत का, ये वाला, आपको कभी लगता है यहाँ वॉल्केनो इरप्शन हुआ होगा? ये जो है ना इंडिया में, इंडिया का ये वाला पार्ट, आज से करोड़ों वर्ष पहले यहाँ वॉल्केनो इरप्शन हुआ था, ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था प्रायद्वीपीय भारत में, और ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था इस वाले एरिया में प्रायद्वीपीय भारत में, आज से करोड़ों वर्ष पहले की बातें हैं। और ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद वहाँ पे कैसी चट्टानें रह गई? कठोर चट्टानें, इनको जिससे क्या बना? बसाल्ट, और बसाल्ट से क्या बना? काली मिट्टी। बसाल्ट से क्या बना? इसके जो, अगर हम इसको खुदाई करें तो इसके नीचे हमें बसाल्ट की चट्टानें मिलेंगी, और उसी के ऊपर तो काली मिट्टी की लेयर है, बसाल्ट की चट्टानों के ऊपर। तभी तो हम क्या बोल रहे हैं, ये वाला क्षेत्र काली मिट्टी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ पे कौन सी होती है? काली मिट्टी यहाँ पे। तो कौन कौन से राज्य है ना, जो भी फिर जो स्टूडेंट्स ने फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास भारत की सामान्य परिचय की नहीं ली होगी, सेकंड थर्ड क्लास, थर्ड फोर्थ है आई थिंक, तो उसमें आपको ये बताया था कि ये कौन सा है, एमपी का दक्षिणी वाला पार्ट, ये गुजरात, और ये कौन सा है, महाराष्ट्र, और ये कर्नाटक। तो इस रीजन में, ये एमपी का दक्षिणी वाला पार्ट, ये कौन सा है, गुजरात का साउथ, पूरा महाराष्ट्र, और ये कर्नाटक। यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? काली। क्यों? क्योंकि ये पूरा दक्कन का पठार जो था वो ज्वालामुखी इरप्शन का पार्ट था। पूरा दक्कन का पठार क्या था? ज्वालामुखी इरप्शन का पार्ट था। अगर आपसे काली मिट्टी का क्षेत्र पूछा जाए, आप बता देंगे? दूसरी चीज, अब चूंकि बसाल्ट का बना हुआ है, तो इसमें क्या होंगे, जो लोहे वगैरह, जो आयरन है ना, जो भारी तत्व हैं, जो भारी एलिमेंट्स हैं, वो होंगे। इसमें क्या पानी जा सकता है? नहीं जा सकता। तो ये काली मिट्टी पारगम्य नहीं है। होता क्या है, जब ये वाले जो रीजन है, इसमें बारिश मिलती है कम, यहाँ पे ऊपर बीच वाला पार्ट हो गया ना, तो यहाँ बारिश पड़ती है कम। बारिश कम पड़ने की वजह से क्या होता है कि ये जब जून की गर्मियाँ होती ना, तो इसमें पूरी दरारें पड़ जाती हैं, काली मिट्टी है ना, तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, और जब पानी आता है, जब बारिश होती है, तो इसमें पानी भर जाता है। ये पारगम में नहीं है, मतलब कि इसमें पानी जा नहीं सकता है, अंदर जमीन में नहीं जा सकता, पठारी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? पठारी क्षेत्र है। तो इस वजह से काली मिट्टी को बोलते हैं स्वयं जुताई की खेती। यहाँ पे क्या होता है, इसीलिए क्या बोल दिया कि काली मिट्टी जो है, क्या बोलते हैं काली मिट्टी को, ऐसी कौन सी मिट्टी है जो स्वयं जुताई करती है, स्वयं जुताई की करती है, या स्वयं जुताई वाली मिट्टी, तो वो बोलती हैं काली मिट्टी। क्यों? क्योंकि ये जो मिट्टी है वो पठारी क्षेत्र में है, वहाँ इम्पेरेबल नहीं है, पानी जा नहीं सकता है ना, इम्पेरेबल है सॉरी, वहाँ पानी जा नहीं सकता है जमीन के अंदर, ठीक है। और इसमें क्या पाए जाते हैं? भारी तत्व पाए जाते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम। तो कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं इसमें? आयरन और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, आयरन और एल्यूमिनियम भारी तत्व पाए जाएंगे। आयरन और एल्यूमिनियम की क्या होती है? अधिकता होती है। इस वजह से क्या होता है इसमें? स्वयं जुताई वाली के टाइप, यानी कि जब सूखा, जो गर्मियां पड़ती हैं, तो इस मिट्टी में क्या हो जाती हैं? दरारें पड़ जाती हैं। तो वो आई थिंक खेती ऐसी जो जुताई होती है, हल से जुताई करते हैं, तो वो लाइन लाइन बन जाती है, और इसमें भी दरारें पड़ जाती हैं, और जब बारिश होती है तो पानी अंदर नहीं जाता, चिपचिपी मिट्टी हो जाती है, तो इसको बोलते हैं स्वयं जुताई की खेती वाली मिट्टी। ओके, काली मिट्टी को। तो अगर इसके एरिया से क्वेश्चन बने,
तो आप भूलोगे नहीं, मुझे जहां तक लगता है। क्या हमने इंडिया के मैप में महाराष्ट्र, कर्नाटक और एमपी का साउथ वाला पार्ट देखा था? ठीक है, इसमें कपास की खेती अच्छी होती है क्योंकि टेम्परेचर और ये सारी चीज़ें बहुत इसमें मैटर करती हैं। खिरेगुर मिट्टी बोला जाता है, ज्वालामुखी विस्फोट से होता है। आयरन और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है काली मिट्टी में। डन। इससे होने वाले एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस थे वो ये थे। आप इसको मेरे साथ साथ नोट डाउन करते चले, मैं बिलीव करूँगी स्क्रीनशॉट फ़ोन में रहते हैं और हम उनको फिर दोबारा पढ़ नहीं पाते हैं, तो थोड़ा सा मेहनत कर लें। ठीक है, मेहनत का फल मीठा होता है, थोड़ा सा मेहनत कर लें और इसको नोट डाउन करें। इसको क्या करें, नोट डाउन करें, अगर कुछ इमरजेंसी है तो फिर स्क्रीनशॉट लेना। ओके, तो हमने बात की थी काली मिट्टी की। अब काली मिट्टी के बाद हम नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो है लैटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? लैटराइट मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी। तो आपसे जलोढ़ मिट्टी का एरिया पूछेगा तो बता देंगे जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है। उत्तरी भारत की जितनी नदियां हैं और दक्षिण भारत के जो डेल्टा और जो मुहाने हैं वहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इस ये कृषि के लिए बहुत उपयोगी है, जबकि काली मिट्टी थोड़ा कम उपयोगी है ना। जलोढ़ मिट्टी हमने, जलोढ़ मिट्टी में हमने क्या बात की थी, क्या किया था, क्या बात की थी कि उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की ऑलमोस्ट अधिकांश मिट्टी में कमी पाई जाती है ना। तो ये सब चीज़ें थी। अब हम बात कर रहे थे लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी को पढ़ने के लिए एक प्रोसेस समझें। वैसे अगर बुक से पढ़ोगे तो आपको कभी समझ में नहीं आने वाला, लेकिन मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस दो मिनट में आप समझ जाओगे। डियर फ्रेंड्स, हमने देखा था जब हमने इंडिया की बात की थी तो हमने बात किया था साउथ में। कल जब मॉनसून वाला चैप्टर पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, तो हमने साउथ में क्या था, सबसे पहले मॉनसून आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, और ये इक्वेटर के नज़दीक भी है तो यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है, टेम्परेचर भी हाई होता है और वर्षा भी बहुत ज़्यादा मिलती है। इस वाले एरिया में वर्षा भी 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। डियर फ्रेंड्स, कल जब मॉनसून वाली क्लास हमने पढ़ी थी तो हमने क्या देखा था साउथ में, साउथ में हमने देखा था कि यहाँ पे मानसून भी सबसे पहले आते हैं केरल में और यहाँ पे बारिश भी ज़्यादा होती है। तो जिस भी एरिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो और बारिश बहुत ज़्यादा हो, इन दोनों में लैटराइट मिट्टी का ही ओरिजिन होगा। क्यों, कैसे, कब, है ना, क्यों होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं, क्यों जानना भी तो बहुत ज़रूरी है। इस जब हमें क्यों पता होगा ना तो हमें आगे कुछ और ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। सारी चीज़ें हमारी हाथ में, सिर्फ एक क्वेश्चन में, चाहे वो लाइफ का क्यों हो और चाहे वो एग्ज़ाम का क्यों हो। क्यों को जानना, वाय, कोई भी चीज़ को जानने के लिए वाय का जानना ज़रूरी है। फिर आपका ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सारी चीज़ें आपके हाथ में होगी। जब तक आपको भाई का मतलब नहीं पता होगा, वाय का मतलब नहीं पता होगा, इट मीन्स कि आपकी चीज़ें अधूरी हैं और अधूरी ही रहेंगी जब तक आप नहीं जान लोगे क्यों। ठीक है, तो आज हम देखते हैं क्यों है लैटराइट मिट्टी का, यहाँ पे इस जगह क्यों बनती है, क्यों इसका ओरिजिन होता है लैटराइट मिट्टी का। डन। मैंने एक चीज़ बताई थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो और बारिश बहुत ज़्यादा हो, ऐसे क्षेत्र में लैटराइट मिट्टी का ओरिजिन होता है। कैसे होता है? डियर फ्रेंड्स, इसको आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करेंगे। ओके, एक जमीन का कोई भी एरिया ले लो पर्टिकुलर, वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, बारिश भी वहीं ज़्यादा होगी ना जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो। और बारिश इतनी तेज, आपने देखा होगा जिनके भी कच्चे घर रहे होंगे कि जब जहाँ तेज और मूसलाधार बारिश पड़ती है उस पर्टिकुलर एरिया की जो ऊपरी मिट्टी है ना वो तो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो कैसी हो जाती है, वो ख़त्म ही हो जाती है, वो तो बह ही जाती है ऊपर वाली लेयर। और मैंने क्या बताया था, जब मिट्टी का क्या होती है, मिट्टी पृथ्वी का सबसे ऊपरी लेयर, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, जल, खनिज लवण, मिनरल्स, जो कि कृषि के लिए उपयोगी होते हैं। अब इस मिट्टी की तो ऊपरी लेयर तो गायब हो गई, अब जब ऊपरी लेयर गई, बह गई पानी के साथ, तो क्या बची, निचली लेयर बची ना। और नीचे ऊपर क्या पाए जाते हैं मिट्टी में, कृषि के लिए उपयोगी तत्व, जल, खनिज लवण, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस, ये पाए जाते हैं ना, ह्यूमस पाई जाती है ना, इसी की वजह से तो कोई भी मिट्टी उपजाऊ बनती है, इसी की वजह। लेकिन जहाँ बारिश ज़्यादा होगी, आपने देखा होगा, इमेजिन करो थोड़ा सा, जो कच्चे गांव घर में, सॉरी जो गांव होते हैं उनमें कच्चे कुछ घर होते हैं, आज तो पता नहीं मुझे कितने रह गए हैं कितने नहीं, पर पहले होता था जब हम छोटे छोटे थे,
तो हम अपनी नानी के घर जाते थे तो हम देखते थे नानी के यहाँ जब बारिश होती थी छप्पर से बूंदें टपकती थी, और जहाँ बूंदें पर्टिकुलर टपक रही है वहाँ की मिट्टी और वहाँ की जो ऊपर वाली लेयर है वो ख़त्म हो जाती थी, और नीचे का जो कंकड़ और पथरीली जमीन निकल आती थी बाहर, ऐसा मैंने देखा था। आपका पता नहीं आपका लाइफ में ये एक्सपीरियंस रहा है कि नहीं रहा है, ओके। तो जब मिट्टी जमीन की ऊपर वाली लेयर तो ख़त्म ही हो गई, और नीचे क्या ऊपर क्या होता था ह्यूमस वगैरह, और नीचे कैसी मिट्टी है पथरीली, नीचे कैसी मिट्टी है पथरीली, तो ये वाली मिट्टी क्या हो गई बाहर आ गई, और ये क्या हो गई ये ख़त्म हो गई, अब ये पथरीली मिट्टी बाहर आ गई। तो इस मिट्टी को नाम दे दिया लैटराइट मिट्टी, इस मिट्टी को क्या नाम दे दिया लैटराइट मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, ठीक है। और ये जो प्रोसेस मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में समझाया है ना, इसको ना बहुत भारी भरकम वर्ड बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं लिथिफिकेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं लिथिफिकेशन, यानी कि क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं लिथिफिकेशन, और हिंदी में आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है निक्षालन, हिंदी में क्या बोलते हैं निक्षालन, जो कि अगर आप किताब में इसको पढ़ते और ये वर्ड मिल जाता ना निक्षालन, तो ना आप हाथ पकड़ के सिर पे हाथ रख के बैठ जाते, ये क्या होता है निक्षालन, हमने तो ना तो समझा और ना आपको इसे कोई समझा पाता निक्षालन को, ठीक है। तो अब आप आसानी से समझ गए होंगे निक्षालन क्या होता है, कोई भी आपसे पूछे है ना लिथिफिकेशन क्या होता है, निक्षालन क्या होता है, आप बता देंगे जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो और बारिश इसकी वजह से वर्षा की मात्रा बहुत ज़्यादा हो 250 सेंटीमीटर से भी अब हम मान के चल लो, तो वहाँ क्या होता है ये ज़मीन है, और ज़मीन की ये क्या है अपर लेयर है, और ज़मीन की जो अपर लेयर होती है ऊपर वाली जो परत होती है ज़मीन की ऊपरी परत, ये तो हट जाती है, ज़मीन की ऊपरी परत क्या होती है ये हट जाती है, और ज़मीन की जो नीचे की परत है, ठीक है, ज़मीन की नीचे की जो परत है, यहाँ क्या हो रही है बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, ठीक है, ऊपरी परत गायब हो गई और नीचे वाला जो कंकड़ और पत्थर थे वो बाहर निकल आए, जिन्हें हम कंकड़ पत्थर बोलते हैं पथरीले, वो होते हैं ज्योग्राफी की लैंग्वेज में उन्हें बोलते हैं भारी तत्व, उन्हें क्या बोलते हैं भारी तत्व, और भारी तत्वों में क्या होता है एल्युमिनियम वगैरह होता है, एल्युमिनियम वगैरह होता है, आयरन होता है, एल्युमिनियम होता है, आयरन होता है, ये सब क्या हो जाते हैं बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो इससे कौन सी मिट्टी बन जाती है, जो मिट्टी होती है उसको बोलते हैं लैटराइट मिट्टी, ठीक है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन इसको बोलते हैं प्रोसेस को निक्षालन। कि लैटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, किताब में एक लाइन लिखी होगी लैटराइट मिट्टी का निर्माण निक्षालन की प्रक्रिया के द्वारा होता है, अब निक्षालन क्या होता है ये जानना बहुत ज़रूरी था तो मैंने ये बता दिया कि लैटराइट मिट्टी क्या होती है। अच्छा आपको क्या लगता है ये मिट्टी कृषि के लिए उपयोगी है कि नहीं है, है किसने बताया है, भारी तत्वों में कौन सी कृषि की जाती है, चाय की खेती की जाती है, और किसकी खेती की जाती है, बाजरा, अच्छा बाजरा होता है, गुड, बहुत अच्छा। इसमें वो वाले जो मतलब खाद्यान्न के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये कृषि के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसमें खेती की जाती है काजू की, काजू की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बस भारी तत्व में जनरली जो खेती के लिए इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स वो होता है ह्यूमस होना चाहिए, ह्यूमस, ह्यूमस जानते हैं पत्तियाँ, पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ कलेक्ट हो जाती हैं सूख जाती हैं सड़ने गलने के बाद, जीवाश्म होना चाहिए, जीवाश्म अवशेष होना चाहिए उसके लिए, उसमें क्या होता है ये नाइट्रोजन फॉस्फोरस ह्यूमस होना चाहिए, इनमें क्या मिलेगा इसको प्लांट्स को, खेती के लिए प्लांट्स को कुछ वो भी तो चाहिए आवश्यक जो मिनरल्स होते हैं खनिज तत्व तो चाहिए, वो तो इसमें मिलेंगे ही नहीं, तो खेती के लिए इंपॉर्टेंट कैसे हो जाएगी, नहीं हो पाएगी ना, तो इसलिए लैटराइट मिट्टी ना बहुत कम उपयोगी होती है, इसमें केवल काजू वगैरह की खेती होती है, काजू के लिए ये मतलब अच्छी होती है, और इसमें जो बहुत ज़्यादा खेती नहीं हो पाती है। और दूसरी बात ये कि कौन से एरिया में होती है, तो जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो बारिश ज़्यादा हो वहाँ होगी, और ये कहाँ होती है टेम्परेचर बारिश, एक तो हमने जब मानसून पढ़े थे तो हमने देखा था टेम्परेचर बारिश कहाँ ज़्यादा होती है, हमने जब मानसून पढ़े थे तो हमने देखा था ये वाली एरिया में, ये वाले एरिया में सबसे पहले मानसून आते हैं और सबसे पहली वर्षा करते हैं, मानसून का विस्फोट, वर्स्ट ऑफ द मानसून, लास्ट क्लास में देखा तो यहाँ लैटराइट मिट्टी होगी, और लैटराइट मिट्टी कहाँ होगी सबसे बारिश वाला स्थान, लास्ट क्लास में भूल गई थी,
विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाली जगह मेघालय के मौसिनराम में, विश्व का, लास्ट क्लास में मैं ये भूल गई थी, ये था कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो होती है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला प्राप्त करने, सब कहाँ होती है सर्वाधिक वर्षा, तो वो होती है मेघालय के मौसिनराम में, कहाँ होती है, मेघालय के मौसिनराम में। तो यहाँ कौन सी मिट्टी होगी, लैटराइट, मौसिनराम में चाय के लिए, मौसिनराम में चाय के लिए, काजू के लिए, तो मतलब बहुत ज़्यादा खाद्यान्न फसलें नहीं है, खाद्यान्न फसलें वो होती हैं कि जिन पे हम टोटली डिपेंड हैं, गेहूँ धान, इनके बिना आप एक दिन रह लो दो दिन रह लो आप हल्का फुल, मतलब मुझे नहीं लगता कि इनके, लेकिन ये जो चाय के बिना तो आप रह लोगे ना, काजू खाए बिना तो आप रह लोगे ना, तो कैसे हो गई कृषि के लिए उपयोगी, है ना। कॉन्सेप्ट पता है तो आपको खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ तो सही बोल रहा हूँ, बिकॉज मुझे कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट, इसीलिए मेरा मानना है कि पहले कॉन्सेप्ट फिर उससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इससे लैटराइट मिट्टी से क्वेश्चन बनते, क्या एक स्टेटमेंट आ जाएगा लैटराइट मिट्टी के बारे में, निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। एक डाल देगा सबसे पहले और डालेगा कृषि के लिए सबसे अधिक उपयोगी है, आप फटाक से गलत करोगे, आप सबसे पहले इसको तुरंत गलत करोगे, ये तो 100% नहीं है, क्यों, क्योंकि मुझे प्रोसेस पता है ये बनती कैसे, तो इसके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तो नहीं है। किसकी खेती की जाती है, धान गेहूं की खेती की जाती है, नहीं की जाती है, क्या जो नहीं की जाती है उसको याद कर लो, आपको पूरा कुछ रटने की जरूरत नहीं, जो नहीं होता उसको याद कर लो, कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, धान गेहूं की खेती नहीं की जाती, बाकी और क्या क्वेश्चन बनेगा। आपको एरिया तो रटने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, जहां सबसे ज़्यादा बारिश होती है, बारिश कहाँ होती है, पहले जहां मानसून आते हैं केरल में, और विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान, तो यहां लैटराइट मिट्टी पाई गई, रटने की जरूरत हुई बिल्कुल नहीं हुई, नोट डाउन कर लें। मरुस्थली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, राजस्थान में, पहाड़ी मिट्टी कहाँ पाएगी, पहाड़ी क्षेत्र में, है ना। एक प्रश्न आता है पहाड़ी मिट्टी जो होती है ना, यहाँ से प्रश्न क्या बनता है डियर फ्रेंड्स, पहाड़ी मिट्टी से एक प्रश्न बनता है, पहाड़ी मिट्टी से एक प्रश्न बनता है कि इसमें किसकी अधिकता होती है, इसमें किसकी अधिकता होती है, तो आपके पास आंसर्स में ये होगा अम्लीय, ये जो पहाड़ी मिट्टी होती है ना वो अम्लीय प्रकृति की होती है, तो ये खेती की इसमें बहुत ज़्यादा हो नहीं पाती है। आपको पता है पहाड़ों में खेती दे कैसे होती है, सीढ़ीदार नुमा बना के, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा के होती है, तो अब पहाड़ी मिट्टी प्रश्न आता है किस कैसी नेचर होता है, तो अम्लीय प्रकृति की होती है। अच्छा अम्लीय तो हो गई, तो खेती के लिए तो उपयोगी है नहीं क्योंकि एसिड वाली है, एसिडिफिकेशन, तो इसको क्या हम यूज करें कि ये खेती के लिए उपजाऊ बन जाए, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्लीय प्रकृति की अगर मिट्टी है, अम्लीय मिट्टी मतलब एसिड, एसिडिफिकेटिव है, तो उसमें हम क्या यूज करें कि ये कृषि के लिए उपयोगी हो जाए, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, चूना पत्थर। जो अम्लीय मिट्टी होती है उसमें हम चूना पत्थर, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें हम चूना पत्थर का उपयोग करेंगे तो वो मिट्टी कैसी हो जाएगी, कृषि के लिए उपजाऊ हो जाएगी। अगर हम इसमें ये ऐड कर दें तो ये कृषि के लिए उपजाऊ हो जाएगी, कृषि के लिए उपजाऊ हो जाएगी। दूसरा एक होती है, अगर हम गुजरात में जाएं और राजस्थान में, तो हमें कैसी मिट्टी मिलती है, लवड़ी। गुजरात में कैसी मिट्टी मिलती है, गुजरात और राजस्थान के कुछ वाले पार्ट में, इधर वेस्ट वाले में, तो वो मिलती है लवड़ी, लवड़ी मिट्टी, मतलब कि उसमें क्या है, लवड़ी। आपने देखा हो ना अहमदाबाद, जो गांधी जी का हिस्ट्री में क्वेश्चन पड़ा होगा, कौन सा आंदोलन, नमक हटाओ आंदोलन, है ना, नमक की समाप्ति की गई, तो नमक कहाँ बना था, गुजरात में, ठीक है, कहाँ बना था, गुजरात में। तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी होती है, लवड़ी मिट्टी, याद करने के लिए। और लवड़ी मिट्टी में खेती हो जा सकती है, लवड़ी मिट्टी में जहाँ सॉल्ट की मात्रा अधिक है, कोई खेती फलेगी नहीं, फल पाएगी, तो इसलिए क्या इसमें मिलाया जाएगा, इसमें जिप्सम मिलाया जाएगा। अगर हम इसमें लवड़ी मिट्टी में जिप्सम मिला दें तो ये किसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी, खेती के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि अम्लीय प्रकृति की मिट्टी है तो उसमें चूना पत्थर मिलाया जाएगा, लवड़ी मिट्टी है तो उसमें जिप्सम मिलाया जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद ये दोनों हो गए, इसके बाद हम सरसरी सी नज़र डालते हैं बाकी जो मिट्टियाँ हैं उन पर। डियर फ्रेंड्स ये दिखाई दे रहा है, वहाँ तक दिखाई दे रहा है,
हमने सबसे पहले कौन सी मिट्टी की बात की थी? ये एक फास्ट रिवीजन वाली क्लास हो जाएगी, क्रैश रिवीजन करके। तो जलोढ़ मिट्टी हमने पढ़ी। प्रश्न अगर पूछा जाए जलोढ़ मिट्टी कितने प्रतिशत भाग पे पाई जाती है, तो 40% क्षेत्र पे। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रतिशत भाग पे पाई जाती है? 40% पे। और मैंने एक प्रश्न यहाँ से ये भी बताया था कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र में, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में कौन सी होती है? तो वो जलोढ़ होती है। जलोढ़ होती है कितने प्रतिशत में होती है? 40%। जलोढ़ मिट्टी कौन सी में? 40%। ये इसका एरिया मैंने बता ही दिया था जो रिवर वाला है। तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का दोआब और समुद्र तटीय क्षेत्र। कौन कौन सी फसलें होती हैं? तो धान, गेहूं, गन्ना, आलू, तिलहन, दलहन। तो कौन कौन सी फसलें होती है जलोढ़ में? धान, गेहूं, तिलहन, ये धान, गेहूं, तिलहन, ये सभी फसलें होती हैं। आलू, जलोढ़ मिट्टी में आलू, ठीक है। फिर ये किस में प्रचुरता होती है? पोटास और चूना की। और अभाव होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म, यानी कि ह्यूमस का कमी पाई जाती है। सेकंड हमने पढ़ा है लाल मिट्टी। अच्छा, लाल मिट्टी उस स्लाइड में रह गया है। तो सेकंड नंबर पे जो लगभग 18% लाल मिट्टी जो है वो कितने प्रतिशत, प्रश्न अगर आए कि लाल मिट्टी कितने प्रतिशत क्षेत्र पे पाई जाती है, तो लाल मिट्टी डियर फ्रेंड्स 18% क्षेत्र पे पाई जाती है। संपूर्ण भूभाग के 18% पे पाई जाती है। ये पाई कहाँ जाती है? तो ये तमिलनाडु, कर्नाटक, साउथ पूर्व महाराष्ट्र, उड़ीसा, एमपी में पाई। खेती किस किस की होती है? मूंगफली, केला, तंबाकू, मूंगफली, केला, तंबाकू, रागी, ये इन सब की खेती होती है, ठीक है। गेहूँ, मक्का। इसमें आयरन की प्रचुरता पाई जाती है लाल मिट्टी में, आयरन की प्रचुरता। अगेन नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तीसरी काली, काली पाई जाती है देश के 15% भाग पे। मैंने बता दिया दक्कन के पठार, इसका एरिया ये सारा है ना। इसमें किसकी खेती होती है काली मिट्टी में? कपास, सोयाबीन, चना, आलू। इसमें पोटाश, चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की प्रचुरता, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अगेन लैटराइट मिट्टी जो अभी लास्ट में समझाया था, संपूर्ण देश के 3.7% भूभाग पर टेम्परेचर ज़्यादा हो, बारिश ज़्यादा हो। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में ये खेती होती है। चाय, कॉफ़ी, रबर, आलू, काजू के लिए। लैटराइट मिट्टी किसके लिए उपयोगी है? चाय, कॉफ़ी, रबर और काजू के लिए ये उपयोगी है। लोहा और एल्युमिनियम की भारी तत्वों की इसमें प्रचुरता होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। नेक्स्ट हमारी मरुस्थली मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? साउथ पंजाब, वेस्ट हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी यूपी। बाजरा, ज्वार, मोटे अनाज की होती है। लवण और फास्फोरस की इसमें प्रचुरता पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस का अभाव है। अगेन पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी कैसी होती है? अम्लीय प्रकृति की बता चुके हैं। अम्ली को चूना पत्थर मिला के किया जाता है कृषि के लिए। इसमें सेब, नाशपाती, आलू किया जाता है। पोटाश, चूना, इन सब की कमी पाई जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी क्लास में मिट्टी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो कॉन्सेप्चुअल हो चाहे वो फैक्चुअल हो, इसके बाद वो नहीं बचने वाला है। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।